अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कला मंच के आयाम के माध्यम से 2006 से प्रतिभा संगम समारोह का आयोजन हो रहा है। कोरोना के बाद इतनी बड़ी संख्या में आज इस राष्ट्रीय कला मंच के कार्यक्रम में 500 से अधिक प्रतिभागी आए। राष्ट्रीय कला मंच का उद्देश्य है कि उड़ीसा प्रांत के और देश भर के ऐसे नवोदय कलाकार जिनके पास मंच नहीं मिलता है, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से नए नए प्रतिभावान छात्रों को, कलाकारों को हम आमंत्रित करते हैं और उसके बाद उनको एक बहुत बड़ा मंच यहाँ देने का प्रयास करते हैं। 17 से लेकर के 19 दिसंबर तक यहाँ ये जो राष्ट्रीय कला मंच का प्रतिभा संगम समारोह हुआ, इसमें कई प्रकार की प्रतिभाओं का प्रदर्शन हुआ और आज इसका समापन महामहिम राज्यपाल महोदय के सानिध्य में हुआ। इसमें उड़ीसा प्रांत की कई सारी सामाजिक समस्याओं को नाटक के माध्यम से, एकांकी के माध्यम से, चित्रांकन के माध्यम से यहाँ पर लाया गया और आने वाले दिनों में उड़ीसा के युवा कैसे उसका समाधान कर सकते हैं, इस पर भी विचार विमर्श हुआ। इसलिए मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीय कला मंच छात्रों के द्वारा, छात्रों के लिए और एक ऐसा मंच है जो प्रतिभाओं को यहाँ स्थान देता है। बहुत प्रकार के अलग अलग सिने जगत से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर आए, फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी आए, प्रोड्यूसर भी आए और उनके आने का मकसद यही है कि जो यहाँ अच्छे टैलेंट है उस टैलेंट को हम सर्च कर रहे हैं और ऐसे लोगों को आगे करियर में भी बहुत बड़ा स्थान मिलेगा। तो इसलिए राष्ट्रीय कला मंच का एक प्रयास है कि ऐसे कलाकारों को मंच देना, उनको उनके जीवन में आगे वो बढ़े, इसलिए एक बहुत ही सार्थक और सफल कार्यक्रम ये प्रतिभा संगम हुआ है। मैं सभी प्रतिभागियों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और सबसे अच्छी बात है बहुत बड़ी मात्रा में छात्राओं का सहभाग हुआ, जनजाति क्षेत्र के विद्यार्थियों का सहभाग यहाँ पर हुआ और 3 दिन पूरा एक ऐसा कला का संगम यहाँ पर हुआ। इसके लिए मैं फिर से आयोजकों को और सभी प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।